There's another type of objective questions और वो कौन सी है वो true false वाली और not given वाली जिसमें कि आपके पास क्या होता है एक option होती है उन्होंने दी हुई एक statement होती है और उसके आगे आपके पास तीन options हैं या तो वो true है या वो false है या not given meaning उसके ऊपर कोई passage होता है जो आपने पढ़ा होता है और उस passage में से आपको वो चीजें फिर उससे related वो statement होती है और हो सकता है कि sometimes passage वहाँ ना हो और सिर्फ book के वो reference में या उसमें बात कर रहे हो anyhow जो true false questions हैं उसका ये होता है कि there's a statement and you have three options against them एक तो ये है कि true होगा false होगा या not given में भी obviously ये है कि आप देखते हैं कि ये चीज information इस passage में थी या नहीं थी और उसमें sometimes वो मिलती जुलती उससे वहाँ पे होती है एक information लेकिन आपको लगता यूँ है कि it was there but उससे मिलती जुलती होती है और actually वो not given वाले option होता है वो information actually वहाँ नहीं होती उससे कोई मिलती जुलती सी कोई similar सी जो आपको पढ़ने के बाद याद रह जाए तो वो लगेगा कि वहाँ थी but actually वहाँ नहीं होती तो ये three options जो हैं उन्होंने दी होती हैं तो उसमें फिर students क्या करते हैं students उसके ऊपर उसको analyze करते हैं statement को और इसको एनालाइज को आप याद रखिएगा क्योंकि अभी इसके बाद जो अगले लेक्चर्स आ रहे हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे आ रहे हैं और हम इसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको जब हम के एनालिसिस का क्या मतलब होता है आप इस वक्त आप यही समझ लीजिए कि आप स्टेटमेंट को परखते हैं कि ये ठीक है ये बात है उस स्टेटमेंट के मुतालिक आप सोचते हैं और फिर उसके बाद आप असेस करते हैं कि वेदर इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू है या वो फॉल्स है या वो नॉट गिवन है आप वो स्टेटमेंट को ही देख रहे होते हैं ना तो स्टेटमेंट को यू आर ट्राइंग टू एनालाइज वेदर इट्स ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिस इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये ट्रू है और इज इट फॉल्स या आपने वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू दिस वन तो इसको जो आप देखते हुए वो समझते हैं कि ये ठीक है या ये गलत है या ये नहीं ये इन्फॉर्मेशन वहां नहीं है पैसेज में तो उसको फिर आप क्या करते हैं आप उसको मार्क कर देते हैं और इसका क्या है जी कि ये इफेक्टिव है और इफेक्टिव कैसे है ऑब्वियसली आप उसके ऊपर तीन प्रोसेसेस पे तो आप बिल्कुल जा रहे हैं ना सोच रहे हैं उस स्टेटमेंट के मतलब कि आया ये ठीक है आया ये गलत है या ये दी ही नहीं गई है तो आपकी फिर वो स्किल्स तो टेस्ट हो रहे हैं ना आपकी थिंकिंग प्रोसेसेस देयर दैट इज इन्वॉल्व्ड उसके बेसिस पे आप उसको वे करके देख रहे हैं कि ये ठीक है और उसके बाद आप ठीक पे जो आपके ख्याल में है उस पे आप जा रहे हैं तो इफेक्टिव है सिंपल लॉजिक है ऑब्वियसली व्हेन जब आप उसको परख रहे हैं किसी चीज को तो आप अपना लॉजिक एंड रीजनिंग यूज कर रहे हैं कि ये ठीक है नहीं ये तो नहीं हो सकती ये बात क्योंकि उसमें वहां था ये नहीं थी नहीं नहीं ये ठीक नहीं है या ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज इट गिवन ओवर देयर और ये तो ऐसा तो नहीं है कि इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई तो कंटिन्यूसली यू सी योर माइंड एंड योर थिंकिंग प्रोसेस इज मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन एंड देन यू आर ट्राइंग टू मेक सर्टन कंक्लूजन और उस कंक्लूजन के मुताबिक फिर आप अपनी जो आपका है उसको आप टिक कर देते हैं मोर रिलायबल है यस नो के मामले में मुकाबले में किस तरह यस नो के लिए हमने कहा था कि जस्ट वो बाज दफा वाइल्ड गैस पे लगा देते हैं तो इसमें फिर आप ये है कि आप जब उसके ऊपर सोच रहे होते हैं बकायदा ये ट्रू है ये फॉल्स है या नहीं है तीन चीजें आपके पास आ गई और उसको देखते हुए तो ये ज्यादा जो है ना ये है ये उसके मतलब यस नो के मुकाबले में इसको ज्यादा हम रिलाय कर सकते हैं ये मैं कह देती हूँ और फिर उसी तरह से ये वाले जो क्वेश्चन है ये काफी एरियाज में यूज हो जाते हैं स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में तो जरूर होंगे चाहे वो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है हिस्ट्री में भी हो सकते हैं ज्योग्राफी में भी हो सकते हैं यस देयर समटाइम्स टीचर्स ट्राई टू यूज इट्स इन सम कॉन्टेक्स्ट जो है लेकिन साइंस वाला भी उसमें भी अगर आप पैसेज पे जा रहे हैं मैथ में सब बिल्कुल नहीं हो सकते मैथ में तो आप किस तरह करेंगे कि ट्रू है ये फॉल्स है या नॉट गिवन पे कैसे जाएंगे तो इसलिए कुछ एरियाज हैं जहां नहीं यूज होते वरना अक्सर में एरियाज में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उसमें ये यूज किए जा सकते हैं